फाइनली दोस्तों आ गए हैं ताजमहल, और ये सामने देख सकते हैं आप टिकट के लिए लाइन लगी हुई। यहाँ से टिकट लेंगे और टिकट लेके इस तरफ, यहाँ पे देख सकते हैं आप रेलिंग लगी हुई है। यहाँ पे एक तरफ लेडीज़ और एक तरफ जेंट्स है। यहाँ पे आपको एक आईडी भी अपनी देनी पड़ेगी। टिकट लेने के बाद इस दरवाजे से अंदर आएंगे, और अंदर आने के बाद यहाँ सीन कुछ ऐसा है कि दूसरी तरफ ये एक रास्ता जा रहा है, इस रास्ते से अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद का सीन आपको दिखा देता हूँ। अंदर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्य द्वार जो है ताजमहल के पास जाने का वो है, और इधर साइड में पार्क है, और वो जो है एक और दरवाज़ा जो अभी हम अंदर एंट्री करके आए हैं वो बना हुआ है। यहाँ से अब एंट्री अंदर करेंगे। चलिए जब मेन द्वार जो है इसके अंदर एंट्री करने के लिए आएंगे, तो यहाँ पे एक मैप लगा हुआ है ताजमहल का, जो अंदर ताजमहल के अंदर ताजमहल परिसर है उसके अंदर पर्यटकों के घूमने के लिए जो रूपरेखा बनाई गई है वो लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ साइड के अंदर एक और बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके अंदर विश्वोदय स्मारक ताजमहल के बारे में लिखा हुआ है कि ये ताजमहल जो है विश्व स्मारक है। उसके बाद मुख्य द्वार के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे सीन कुछ इस तरह का है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार डिज़ाइन यहाँ पे की गई है मुग़ल काल की, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे चित्रकारी है दीवारों के ऊपर, आप देख सकते हैं। मेन दरवाजे से जब अंदर आएंगे तो यहाँ पे सामने ताजमहल है, जिसके लिए अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं और हम यहाँ पे वीडियो शूट करने आए हैं। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी भीड़ है अभी हम यहाँ पे आए हैं, फिर भी हम आपको पूरा ताजमहल परिसर की सैर अभी करवाने वाले हैं। ताजमहल का थोड़ा नज़दीक से व्यू आपको दिखाऊं, देखिए कैसा दिखता है ताजमहल। अभी आपको आगे भी ले चलूँगा, अंदर भी ले चलूँगा, उधर बिल्कुल नज़दीक से दिखाऊंगा, बने रहिए आप मेरे साथ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर तो उम्मीद आपने कर ही दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वो मेन द्वार है जहाँ से हम अभी एंट्री करके आए हैं, आप देख सकते हैं अंदर की तरफ से इसका व्यू दिखा रहा हूँ आपको। और दूसरी तरफ ये ताजमहल के जस्ट सामने एक फवारे जहाँ पे चलते हैं वो बना हुआ है, देख सकते हैं आप फवारे धीरे धीरे यहाँ पे चल भी रहे हैं, हल्के हल्का पानी इसके अंदर आ रहा है। शायद मोटर इन्होंने क्लोज कर दी है या कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ये मेन दरवाज़ा जहाँ से हम आए थे, मुख्य द्वार जिसको बोलते हैं, वो है। इधर पुलिस की काफ़ी सिक्योरिटी रहती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप सामने एक कमांडो खड़ा हुआ है, और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे आपको सीन देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे आती है, छुट्टी के दिन तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त भीड़ रहती है। आप देख सकते हैं ताजमहल के जस्ट सामने हम खड़े हैं, यहाँ से आपको व्यू दिखाने लग रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है दोस्तों, जब यहाँ पे आप जाएंगे तो लोग यहाँ आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, घूमते हैं, समय बिताते हैं। और आपको बता दें जो टिकट होती है वो 2 घंटे के आसपास लगभग वैलिड रहती है। 2 घंटे के आसपास आप यहाँ पूरा घूम सकते हैं, मज़े से इंजॉय कर सकते हैं, और आप थोड़ा ज़्यादा भी उससे समय बिता सकते हैं, लेकिन 2 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो।